नमस्कार इमामी हेल्दी एंड टेस्टी कुकिंग ऑयल आमरोसी को आपण मानको स्वागत करछि मो पुष्पांजलि दर्शक आपण मन त जानंती आम देश रे प्रत्येक जागा रो किछ ना किछ स्वतंत्रता रहिछि जेमिति तार खाद्य पेय चाली चलन पोशाक सबुथिरे एक कथा कहबा हला आज आम गोटे राजस्थानी रेसीपी बनवा और ता सहित बनवा गोटे काबुल रेसीपी आ दुटा बनवाई मो सहित अच्छा सेफ लाला हेलो सेफ हेलो आपको आम कार्यक्रम को बहुत थैंक यू आज आप गोटे राजस्थानी रेसीपी बनवे काबुल प्रथम कौटा बनवे राजस्थानी कुम कौन तार ना राजस्थानी कुम द्वितीयटी बनेबी मो बासुमतिका नूर बासुमतिका नूर एंड राजस्थानी कुम प्रथम राजस्थानी कुम कुम बने कौन सब सामग्री दरकार सेति पई मु नै छि मशरूम पर सॉल्ट ओके चेरी दही मध्य नै छि गार्लिक जिंजर चॉप नै छि बीट रूट नै छि जो तापर टमाटो प्यूरी नै छि हल्दी पाउडर लंका पाउडर काजू पेस्ट क्रीम गरम मसाला तापर धनिया पत्र चीज ग्रीन चिली सनफ्लावर रिफाइनल को नहीं प्रस्तुत करिबा राजस्थानी को ठीक अछि सब सामग्री रेडी अछि तेल भी रेडी करनवा हमरो हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल एबे सब सामग्री सहित तेल भी रेडी अछि दर्शक बंधु आपण माने देखिले राजस्थानी कुम बनेबा पई कोन सब सामग्री दरकार एबे आसंतु प्रस्तुत करिबा राजस्थानी कुम से बनेबा आरंभ करिबा नियाति भाबरे एबे आमे गैस ऑन करिबा हमें दुईटी ग्रीन चिली नबा एबे इमामिन रो सनफ्लावर रिफाइनल अल्प बहुत अल्प तेल 10-12 ग्राम खंडे तेल एबे आमे किछि गार्लिक चॉप दबा ता सहित जिंजर चॉप मध्य दबा एवं ग्रीन चिली मध्य दबा अबे हमें मशरूम ऐड कर लेना अबे हमें तेरे हल्दी पाउडर और मिर्चा पाउडर दबा हाफ टी स्पून ले हल्दी पाउडर नहीं गले हाँ लंका पाउडर मध्य नहीं ले टमाटो प्यूरी हमें दवा एटा केते क्वांटिटी रहइबो प्राय 2 स्पून पकाई देबो के अधिक रहइबो गोटे बड़ टमाटो पेस्ट कर देबे गोटे पोर्शन बनेले आलू के एबे आमे एतरे काजू पेस्ट यूज करिबा प्राय बड़ मात्रे गोटे चम्मच काजू पेस्ट एबे आमे एतरे बीट रूट दबा एटा माने ग्रेटेड करा हितो हां ग्रेट करा हितो बीट टाइप मध्य भलो माने हेल्दी हेल्प है हां बहुत भलो बीट रूट एबे एतरे आमे किछि पानी दबा अल्प पानी दबा पूरा उठे रेडिश कलर पळै आसला हां म आपन कहिथिनि बीट रूट रो कलर रहइबो एतरे आमे दही किछि ऐड करिवो दही ऐड करिवा पूर्वरु आमे सॉल्ट मध्य दबा टेस्ट ऑन दे एबे आमे दही ऐड करिवा गोटे बड़ स्पून देबे दही
आम ए गरम मसला एड कर हाफ टी स्पून गरम मसला दे एबे गोटे बोल दियंतु ए कलर रहइबो यार एबे हम एको गार्निशिंग करबा एबे चीज हमें अधिरे गार्निशिंग करबा क्रीम मध्य गार्निशिंग करबा ता पूर्वरो किछि धनिया पत्र में चॉप करबा क्रीम दवा बीटरूट मध्य गार्निशिंग रे टे भल देखा जीव बीटरूट तो एमती हमें भी कंचा रे खाऊ सलाड आकार रे एबे हमर प्रस्तुत हेई छि राजस्थानी कुम एबे टेस्ट करी देखंथु निहाती भाव में रेडी राजस्थानी कुम मैंने प्लेटिंग जो प्रथम देखिले कई जापरि जेटा गोटे मशरूम गोटे रेसीपी प्रिपेयर मशरूम निश्चित भाव यार ग्रेवी टे टेस्ट करिया सतरे बहुत टेस्टी बहुत बढ़िया समस्त को पसंद लगे यहाँ आप मैंने फ्रोजन वाला मशरूम भी बन पार लोकाल भी बन पार टेस्ट सेम रहिबो किंतु बनेबा पूर्वर ध्यान रखिबा कथा कि सॉल्ट कम दे बनेबे कारण एतरे चीज रो परिमाण अधिक दो होची तेनु करे चीज सॉल्ट रहउची बहुत बढ़िया टेस्टी हेची सब थिर एटा भी खाई हेबो आपण माने देखिले राजस्थानी कुम किबळी भावरे प्रस्तुत थिला एबे लिखि रखंतु राजस्थानी कुम बनेबा पई आवश्यक होतवा सामग्री मशरूम 150 ग्राम टमाटर प्यूरी 2 चम्मच काजू बटा गोटे चम्मच बीटरूट 50 ग्राम दही गोटे हलदी गुंडा हाफ चम्मच लंका गुंडा हाफ चम्मच गरम मसला गुंडा हाफ चम्मच ग्रेटेड चीज 20 ग्राम क्रीम 2 चम्मच धनिया पत्र अल्प चेरी कटा रसुन हाफ चम्मच कटा अदा हाफ चम्मच कंचा लंका हाफ चम्मच इमामी रिफाइंड ऑयल 10 ग्राम और लुण स्वाद अनुसार प्रस्तुति प्रणाली प्रथम कड़ई बसई 10 ग्राम इमामी रिफाइंड ऑयल गरम करंतु सेथिरे कटा रसुन कटा अदा कटा कंचा लंका मशरूम 150 ग्राम हलदी गुंड गुंड 2 चम्मच टमाटो प्यूरी गोटे चम्मच काजू बटा ग्रेटेड बीटरूट दे भाजंतु आवश्यक अनुसार पानी दियंतु तापरे स्वाद अनुसार लुण गोटे चम्मच दही हाफ चम्मच गरम मसला गुंड पकाई गोलाई दियंतु शेषरे सर्विंग प्लेट को काढ़ी ग्रेटेड चीज धनिया पत्र क्रीम और चेरी रे गार्निश करी सर्व करंतु राजस्थानी कुंभ एबे आसंतु प्रस्तुत करिबा बासमती का नू से ए रेसिपी ने पई कोन सब सामग्री दरकार ता पई मो राइस नहीं ची बॉईल कर नहीं ची राइस बासमती राइस तबरे काबुली चना नहीं ची तबरे रोज वाटर के वाटर तबरे ओनियन पेस्ट गरम मसाला काजू किशमिश कोरिएंडर लीफ
साफ्रन पुदीना देसी घी हल्दी पाउडर लंका पाउडर सॉल्ट टमाटो प्यूरी इमारमिन सनफ्लावर रिफाइन ऑयल को लेकिन प्रस्तुत करवा बासुमती का नूर ओके ठीक अच्छे सब सामग्री तो रेडी अच्छी तेल पाखे रेडी अच्छी बनवा आरंभ करवा निश्चित भावे प्रथम आम गैस ऑन करवा पैन मध्यम एबे इमारमिन सनफ्लावर रिफाइन ऑयल दियंतु हेल्दी एंड टेस्टी रिफाइन सनफ्लावर ऑयल एबे मु 15 ग्राम खंडे नेली ओके एबे आमे तेल गरम हेलाने काजू किसमिस दबा वे हमें काजू किसमिस लो तापर हमें ओनियन पेस्ट मध्य दबा प्राय तीन स्पून दे छोट स्पून दे हल्दी पाउडर चिली पाउडर मध्य ऐड करिबा चिली पाउडर हल्दी पाउडर मध्य ऐड करिया और टमाटो प्यूरी मध्य दबा इतरे खाली माने ऑनियन पेस्ट आ हमें देले माने हाँ। जिंजर गार्लिक पेस्ट दिया है ना अच्छा एबे किछि हमें तरे सॉल्ट दबा स्वाद अनुजाई सॉल्ट चणा मध्य हमें तरे ऐड करिबा मो प्राय 40 ग्राम चणा नै छी गरम मसाला में दबा एबे हमें पुदीना चॉप करिबा धनिया मध्य चॉप ये किसी पुदीना धनिया मध्य हमें एबे राइस दियंतु तबे से माने राइस आउ काबुली रो क्वांटिटी कोन रहइबो केते केते रहइबो जा भी हेले ये काबुली का क्वांटिटी राइस टू कम रहइबो अधिका देले किछ खेती हेबार नै माने टेस्ट भी चेंज होइबो जदी आमे नाइ टेस्ट चेंज होवन जदी आमे वेजिटेबल बिरयानी बनाउछु आ चिकन बिरयानी बनाउछु जदी आमे किले करे दिकिले राइस दो दिकिले चिकन रे किले राइस दोउछु तो दे हमें अढ़ाई किलो चिकेन पकई देव कि टेस्ट हम आई अनुजय मसला बढ़िया पड़ो अनियन बढ़िया पड़ो प्रत्येक बढ़िया पड़ो कि टेस्ट उपर कि ये पड़े प्रभाव पड़े एवं आम ए पुदीना दबा धनिया मध्य दबा खुआ मध्य ऐड कलु एबे रहिला सैफ्रन दबा सैफ्रन बिरयानी रे आमे कोन करचू ना खीरे रे ओदा करिके दोउचू एतरे सैफ्रन से माने डायरेक्ट पके दियंत अच्छा एबे आमे केवड़ा ऑर्डर दबा
ताकू दम रे बसे दिया हो किसे दम रे लगे दबा 2 मिनट दम दे दबा अच्छा तो बिरयानी जेमती गोटे लेयर लेयर करी के मसाला पुनी राइस तंती दम दिया जाए इटा भी एग्जैक्टली से बोले हैं करा बिरयानी तो विभिन्न वैरायटी रो बनिया जाए गोटे झटका बिरयानी अछि गोटे फ्राइपेन बिरयानी अछि जो गोटे फ्राई हे की बनिया होची गोटे कंची गोस का दम बिरयानी अछि बिरयानी वैरायटी वैरायटी गोटे कंचा मांस रे सेमती बनिया जाए बिरयानी कंचा चावल पर की गोटे खिचड़ी टाइप रो बिरयानी बनिया जाए जहाँ कि चावल फुटिक आसी गला पर ए चिकन फुटिक आसी गला पर राइस डायरेक्ट ता देर पके दियो बिरयानी वैरायटी से भी तेरेटा भी गोटे ये भी गोटे वैरायटी रे अछि एबे स्टीम हे गला एबे मेत्रे देसी घी दबा आपण जहा भी बनांतु किंतु देसी घी रो मुख्य भूमिका था आपण जो पलो बनांतु कि बिरयानी बनातु कि पाइस बनातु जहाँ बनातु ये सब देसी घी मुख्य कारण मैंने फ्लेवर टा तार ही एबे गोटे प्लेट दिंतु सेगुड़ा करदे गोटे भल गोटे यूनिक सेप आस आम ए किसी पुदीना दबा एवं देसी घी हल्का दबा पेड़ वाला दबा बड़ा लुकिंग भी अच्छी तरह प्रस्तुत बासुमती का नूर एबे टेस्ट करी देखंतु रेडी है छी ताले बासुमती का नूर गोटे बढ़िया धनिया पुदीना फ्लेवर आस छी थिरु एटा निश्चिंत भाबरे टिके टेस्ट करिबा माने गोटे काबुल रे रेसिपी आपन एमति कहले एटा हां नियाते और काबुल रेसिपी बहुत बढ़िया टेस्ट अछि टा ये भेज बिरयानी अपेक्षा ये बहुत टेस्ट हां बढ़िया टेस्ट अछि और माने टेस्ट तरह एभले अछि देखंतु माने एटा इटसेल्फ गोटे डिश आसे त अलगा किछि जिनसर आवश्यकता नहीं इरा सेम थी खाली बहुत बढ़िया लगुच खाली ओनियन दे खाई देबे एक्जेक्टली आपण माने देखिले बासमती का नूर किबडी भाबरे प्रस्तुत थला एबे लिखंतु बासमती का नूर बनेबा पई आवश्यक होतबा सामग्री देसी घी गोटे चम्मच राइस 100 ग्राम काबुली चना 40 ग्राम केसर अल्प केवरा वाटर अल्प प्याज बटा 50 ग्राम काजू किसमिस 20 ग्राम हल्दी गुंड अल्प लंका गुंड अल्प टमाटो प्यूरी 2 चम्मच गरम मसला गुंड अल्प पुदीना पत्र
ধনিয়াপত্র অল্প, ইমামি রিফাইন্ড অয়েল অল্প ও লুণ স্বাদ অনুসারে। প্রস্তুতি প্রণালী, প্রথমে কড়াই বসে 15 গ্রাম ইমামি রিফাইন্ড অয়েল গরম করতু। সেথিরে কাজু কিসমিস 2 চামচ, পেঁয়াজ বটা, লঙ্কা গুণ্ড, হলদি গুণ্ড 2 চামচ, টমাটো পিউরি দিয়ে কষন্তু। তাপরে স্বাদ অনুসারে লুণ, 40 গ্রাম পুরি চণা, গরম মশলা গুণ্ড, কটা পুদিনা পত্র, ধনিয়া পত্র, বয়েল রাইস, খুয়া, কেশর ও কেওড়া ওয়াটার দিয়ে দমরে বসান্তু। তাপরে অল্প ঘি দিয়ে গোলাই দিয়ন্তু। শেষে সার্ভিং প্লেটকু কাড়ি ধনিয়া পত্র খুয়ারে গার্নিশ করে সার্ভ করন্তু। বাসমতিকা নূর। এবে আপন মানে দেখিলে রাজস্থান এবং বাসমতিকা নূরর প্রিপারেশন প্রসেস। এ দুইটা রেসিপি এবে ঘরে প্রস্তুত করন্তু, নিজে খান্তু আর ঘর লোকঙ্কু মধ্যে খাইয়াকু দিয়ন্তু। আর সমস্তে খাইকি কোন কহিলে আমাকে লিখি জানাতু। আমাকে জনেবার ঠিকানা হেলা আমরসি ईटीवी ओडिया पोस्ट बैग नंबर 38 भुवनेश्वर 1। अमर ईमेल एड्रेस ला etvodia@etv.co.in। सेवा जे अपना हम दर्शक मान को दीटा बढ़िया रेसिपी बने के देखले, माने विभिन्न जगह रे उठे राजस्थानी डिश रे काबुल रो, सेति बा अपन धन्यवाद। अपन मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। आज रे टिप्स टी हैला, फल सलाद रे 2-3 चम्मच लेमोनेड ढालीले बेस सुस्वादु हेबो। दर्शक बंधु, वर्तमान तो समय ये छि कार्यक्रम को एठी रखिबा। आगामी अध्याय आपण मानक पूर्ण देखाओ। से पर्यंत विदाय दिंतु, रहुचु, नमस्कार।